हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटो ज्ञान मैसेज। आज का टॉपिक है मोटर व्हीकल एक्ट 2019। पिछले दिन जैसे वेडनेसडे को मोटर व्हीकल एक्ट राज्यसभा में पास हो गया है। इस एक्ट में बहुत सारे नए नए सुझाव पेनल्टीज ठीक किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो देखिएगा, ये वीडियो झटकेदार वीडियो होगा, तो सीट बेल्ट बांध के बैठिएगा, क्योंकि पिछले साल विदाउट सीट बेल्ट अगर आप पकड़े गए तो 100 रुपये फाइन दिया होगा शायद आपने। अभी अगर आप पकड़े जाएंगे तो 100 रुपये नहीं, आपको 1000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नए नए अमेंडमेंट्स के बारे में पूरा तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, मेन पॉइंट्स आपको इसमें कवर करूंगा। पूरा वीडियो जरूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब इमरजेंसी व्हीकल को ऑलवेज साइड दे, क्योंकि अगर आप नहीं देते तो आपको इस साल से 10,000 रुपये फाइन चुकाने होंगे। और ओवरलोडिंग के लिए जो है बाइक पे तो 100 रुपये फाइन आता था, अभी आपको 3 महीने के लिए लाइसेंस डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है लाइसेंस का, और 2,000 रुपये फाइन भी आपको देना हो सकता है। विदाउट लाइसेंस पहले 500 रुपीज था, अभी 5,000 हो गया है। ड्रंक एंड ड्राइव यहाँ डेंजरस था, पहले 2,000 था, अभी आपको 10,000 रुपये फाइन भरना होगा। ओवरलोडिंग के लिए जो है बड़े व्हीकल्स के लिए 20,000 फाइन, और पर पैसेंजर 2,000 रुपीज़ करके आपको देना पड़ सकता है। पहले इंश्योरेंस के लिए 1,000 रुपीज़ फाइन, अभी ये 2,000 रुपीज़ हो गया है। अपने बाइक और कार को बच्चों के हाथ में ना दे, अगर कुछ हो जाए तो ओनर को 25,000 रुपीज़ फाइन और 3 साल का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, और जो बच्चा है उसको जुविनाइल कोर्ट में उसका ट्रायल हो जाएगा। ठीक है, टाइम अब बदल चुका है। करेंगे तो पहले 500 था, अभी 5,000 देना होगा। डेंजरस ड्राइविंग करेंगे 500 था, अभी 5,000 देना होगा। और अगर ओवर स्पीड करेंगे ना, पहले तो 400 था, अभी लाइट मोटर व्हीकल के लिए 1,000, और हेवी मोटर मीडियम मोटर व्हीकल के लिए 2,000 देना होगा आपको। सबके अलावा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के बारे में बोला गया है। इसमें जो पैसा रहेगा वो एक्सीडेंट विक्टिम के लिए ट्रीटमेंट और कंपनसेशन के लिए दिया जाएगा। आधार कार्ड को लाइसेंसिंग के टाइम पर मैंडेटरी कर दिया गया है, और जो समर रिटर्न्स है जो हेल्प करता है एक्सीडेंट विक्टिम्स को, उनको कोई भी अब हैरास नहीं कर पाएगा, ना ही मेडिकल ऑफिसर्स ना ही लीगल ऑफिसर्स। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को भी 1 महीने के अंदर विद इन 1 मंथ उन कंपनीज को सेटल करना होगा, और जो कंपनसेशन है वो इंक्रीज करके कुछ क्षेत्र पर 2 लाख, कभी कहीं कहीं 5 लाख भी कर दिया गया है। तो ये कुछ सुझाव है जो बहुत ही अच्छे हैं, पूरा तो कवर नहीं कर पाया। आखिर में सबसे अहम जो मेरे जैसे राइडर्स के लिए चाहिए वो है ये हेलमेट। हेलमेट पहन के रहिएगा, ये खुला भी रहना नहीं चाहिए। पहले तो 100 रुपये फ़ाइन आता था, अभी आपको 1,000 रुपीज़ फ़ाइन चुकाना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ नए वीडियो के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।